यासिर, शानदार परफॉर्मेंस रही, खासतौर पे आपने टॉस जीत के जब बॉलिंग का फैसला किया, हाफ वे थ्रू ऐसा लग रहा था कि आपने पकड़ लिया है, क्योंकि ये स्कोर गेटेबल था। स्कोर तो गेटेबल था यहाँ पे, जिस तरह हमने हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की, और जो प्लान दिया था उस पर बॉलिंग की जबरदस्त। आज खासतौर पर फील्डिंग पे भी काफी जोर लगाया टीम ने, जो आपने ओवर नंबर 13 से 14 में 3 विकेट्स लिए, 3 कैच हुए हैं, पूरा मैच पलट गया था। हाँ, जबरदस्त क्रिकेट खेले हम पूरे टूर्नामेंट में, अगर देखें तो हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले, हमारे सारे काफ़ी प्लेयर्स नए प्लेयर्स थे जिसके इस टूर्नामेंट में डेब्यू हुआ है, लेकिन सब ने अपनी फील्डिंग भी इम्प्रूव की, और देखा है फाइनल में कोई प्रेशर भी नहीं लिया, जिस तरह उन लोगों ने फील्डिंग की जबरदस्त रहा है। दोनों कैप्टन्स ने टॉस पे कहा था कि हम चेस करना चाहते, क्योंकि कल ड्यू देखी गई थी, आपको लगता है कि ड्यू आज नहीं आई, ये फैसला शायद थोड़ा सा गलत हुआ पहले बॉलिंग का? नहीं, फैसला गलत नहीं है, स्कोर इतना नहीं था, 156 रन अगर आप T20 में देखें तो, जहाँ पे अगर आप देखें ड्यू था आज, इतना वो मतलब ज़्यादा नहीं था, लेकिन कम था, लेकिन था ड्यू, लेकिन ठीक है, 156 हमें चेस करना चाहिए था, लेकिन होते रहते, गेम का हिस्सा है। एज कप्तान, मैंने अभी जिक्र किया कि एबटाबाद पहली बार फाइनल में आया, आपने लीड किया और आपने खुद मेंशन किया कि यंग साइड है, ओवरऑल एक्सपीरियंस एज कप्तान कैसा रहा, और कोई ऐसे प्लेयर्स जो आपको लगे कि बहुत आगे जाएंगे? ज़बरदस्त रहे, क्योंकि हमारे जो नए प्लेयर्स आए, आदिल नाज है, फास्ट बॉलर फयाज़ है, और शहाब ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, साथ में बैटिंग में अफाक ने जिस तरह खेला है, अहमद खेला है, और जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, फ़खर जमान, कमरान गुलाम, ज़बरदस्त रहा है, गुड रहा। बहुत शानदार कप्तानी, और आपकी टीम को भी मुबारक हो फाइनल तक आए, हार्ड लक टुडे बट ब्रिलियंट क्रिकेट, रियली एंजॉयड यू गाइस वॉचिंग प्ले। थैंक यू।